हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का दिनचर्या कैसा होता है, यानी कि सैनिक स्कूल का फुल रूटीन। मंडे टू सैटरडे सैनिक स्कूल में सेम रूटीन फॉलो किया जाता है, संडे का रूटीन थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मंडे टू सैटरडे सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक का सैनिक स्कूल के कैडेट्स का रूटीन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम श्रेष्ठ गुप्ता है और मैंने सैनिक स्कूल अंबिकापुर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रखी है। ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं, ये मेरे एकेडमिक बिल्डिंग का, यानी कि मेरे सैनिक स्कूल अंबिकापुर के एकेडमिक बिल्डिंग का तस्वीर है। और इसी तरीके से पूरा का पूरा सैनिक स्कूल का कैंपस भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा होता है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर ऑलमोस्ट 80-90 एकड़ में फैला हुआ है। उसी तरीके से सारे के सारे सैनिक स्कूल्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़े होते हैं और मैक्सिमम सैनिक स्कूल एटलीस्ट 100 एकर्स में फैला होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल, सैनिक स्कूल कितने एलाइट स्कूल्स होते हैं, कितने ही बड़े स्कूल होते हैं। अब सैनिक स्कूल की तारीफ तो कर ली मैंने, अब शुरू करते हैं कि उसकी दिन का दिनचर्या कैसा होता है। शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से। सुबह 5 बजे एक सायरन बजता है जिससे बच्चों की नींद खुलती है और 5 से 6 एक घंटे का टाइमिंग होता है बच्चे को ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, पानी पीने के लिए, जो भी काम करना है अपना शुरू का, 1 घंटे का टाइम मिलता है। 6 बजे एक दूसरा सायरन बजता है और वो सायरन एक इशारा होता है कि बच्चों को फटाफट हॉस्टल से बाहर निकलना है, अपना पीटी ड्रेस पहन के, शूज वगैरह पहन के, और फिर जल्दी से वो लोग एक लाइन में लगते हैं और उनकी काउंटिंग की जाती है कि सारे बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं, और उसके बाद उनको फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए लेके जाया जाता है। कम से कम 4-5 किलोमीटर की रनिंग होती है। उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस, पुशअप से लेकर बैक सेटअप से लेकर क्रंचिंग वगैरह, हर कुछ जितने भी पॉसिबल एक्सरसाइजेस नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में होती हैं, वो सारा सैनिक स्कूल के कैडेट को क्लास 6 से ही कराया जाता है। और फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद बच्चे आते हैं वापस हॉस्टल। 1 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, 7 बज गया, 7 बजे बच्चे आते हैं हॉस्टल और उनके पास टाइमिंग होता है आधे घंटे का, सिर्फ आधे घंटे का, बिल्कुल आर्मी की तरह। आधे घंटे में भाई साहब आप आओ और फटाफट से तैयारी करो, अपना नहाओ धोआओ और जल्दी से ड्रेस पहनो, और 7:30 बजे सायरन बजता है ब्रेकफास्ट के लिए। अब ब्रेकफास्ट कैसा होता है, यहाँ बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके का ही पूरा रूटीन होती, ऐसा ही सीन होता है हमारे हॉस्टल मेस का। ये जो मेस होता है वो ऐसी, हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ ही टाइमिंग होती है, सारे बच्चे ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचते हैं। जो मेस कैप्टन होता है, हम बच्चों में से ही एक कैप्टन बनाया जाता है, क्लास 12th वाले को या क्लास 11th वाले को बनाते हैं, और वही बच्चा मेस कैप्टन होता है। मेस कैप्टन प्रे करता है कि थैंक यू गॉड फॉर द फूड दैट वी आर गोइंग टू टेक, ऐसा बोलता है वो भगवान को धन्य करते हुए, और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं और फिर बैठते हैं। एग्जैक्टली 15-20 मिनट्स, अलग अलग सैनिक स्कूल का अलग अलग रूल होता है। मैं जहाँ पढ़ा था वहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता था कि 20 मिनट में आपको नाश्ता अपना कंप्लीट करना है। सारे बच्चे एक साथ कंप्लीट करते हैं और जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होता है, मैस कैप्टन वापस से सबको खड़ा करता है और फिर से हम लोग गॉड को थैंक करते हैं कि हमें खाने को मिला, और फिर सारे के सारे बच्चे निकलते हैं स्कूल असेंबली के लिए। जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, डायरेक्ट बैग पकड़ा, बैग टांगते पहुंच गए अपन स्कूल, स्कूल में पहुंचे असेंबली हॉल में। असेंबली हॉल में होती है असेंबली। असेंबली में सबसे पहला चीज होता है प्रेयर, हम लोग प्रे करते हैं। अलग अलग हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है। एक दिन कितनी शक्ति हमें देना दाता गाते हैं, किसी दिन हम सैनिक स्कूल का सॉन्ग गाते हैं, किसी दिन चरैवेति, जो हमारा सैनिक स्कूल अंबिकापुर का चरैवेति सॉन्ग एम्बलम था। अलग अलग सैनिक स्कूल का अलग अलग एम्बलम होता है, वो लोग अपना अपना गाते हैं। असेंबली में पहुंच गए, असेंबली में प्रेयर हुआ, प्रेयर होने के बाद नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, क्विजेस, स्पीचेस, सब कुछ होता है जो बच्चे ही परफॉर्म करते हैं। बच्चे स्टेज पे आते हैं, बारी बारी से उनका टाइमिंग, उनका चांस रहता है। हर दिन अलग अलग बच्चा आता है, जो भी सैनिक स्कूल कैडेट है हर किसी को मौका मिलता है एक दिन जो आके स्पीच दे, या तो आके इंटरनेशनल न्यूज या तो नेशनल न्यूज सुनाए। असेंबली कंप्लीट हो गई, फुल डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग सीख ली बच्चे ने, उसके बाद आते हैं स्कूल का टाइमिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही। आप कहीं भी चले जाओ, सैनिक स्कूल चले जाओ या किसी और स्कूल चले जाओ, पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 9 बजे से लेकर लगभग 1-2 बजे तक का टाइमिंग होता है जब हमें पढ़ाई करना होता है स्कूल में। बीच में 11-11:30 बजे के आसपास आपको रिसेस मिलता है, आपको बिस्किट दे देते हैं, कभी कभी पेटीज, कभी मिक्सचर, कुछ खाने को मिल जाता है। 15 मिनट का गैप, 15-20 मिनट का टाइमिंग मिलता है रिसेस में। बच्चों को सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है खाने पीने को, ताकि थोड़ा स्नैक्स हो गया बीच में। 9-2 बजे तक का टाइमिंग थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से बीच में खाने को बच्चों को दे देते हैं स्कूल से। उसके बाद क्या होता है, 2 बजे हम बच्चे आते हैं लंच करने। क्या करते हैं? लंच करने। तो वापस से हॉस्टल पहुंचते हैं और लंच का फिर वही सीन, बड़ा सा मैस, 20 मिनट का टाइम खाना कंप्लीट करने के लिए। एक साथ खड़े हुए, मैस कैप्टन ने थैंक यू गॉड वाला वो प्रेयर किया, बच्चों ने उसको रिपीट किया, खाना खाए, 20 मिनट के बाद फिर खड़े हुए और एक साथ। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यूनिटी क्यों बनती है सैनिक स्कूल के बच्चों में,
हर चीज एक साथ कर रहे, खाना एक साथ कंप्लीट कर रहे, प्रेयर एक साथ कर रहे, स्कूल एक साथ जा रहे, हॉस्टल में एक साथ नहाने का टाइमिंग है, एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी बॉन्डिंग है। जितना एक भाई दूसरे भाई के साथ घर में नहीं रहता है, जितना टाइम स्पेंड नहीं करता, उतना सैनिक स्कूल का कैडेट अपने दोस्तों के साथ करता है। इसीलिए सैनिक स्कूल में एक आर्मी ऑफिसर की तरह एक यूनिटी होती है, आर्मी वालों की तरह यूनिटी होती है कि एक दूसरे के लिए ये जान तक दे सकते हैं। लंच के बाद होता है आफ्टरनून ब्रेक, 2 से लेकर 4 बजे तक का टाइमिंग होता है। किसी किसी स्कूल में किसी किसी सैनिक स्कूल में 4:30 बजे तक का भी टाइमिंग होता है। तो वो जो 2 घंटे का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में बच्चे के पास जो करना है करने का टाइम, 2 घंटे आप सो सकते हो, 2 घंटे आप टेलीविजन जाके देख सकते हो, हॉल में टीवी लगा होता है, सारे बच्चे हॉल में टीवी जाके देख सकते हैं एक साथ बैठ के। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई वाले होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बैठ के, कुछ होते हैं जो अपने पेरेंट्स से फोन पे बातें करते हैं। सैनिक स्कूल में फोन की भी अवेलेबिलिटी कराई जाती है बच्चों के लिए 2 से 4 बजे के बीच में, कि आप अपने घर पे फोन करके आप पेरेंट्स से बात कर लो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी बहुत याद आता रहता है घर का, उनको भी रोना आते रहता है। मैं खुद छोटा था तो मैंने खूब रोया 6th-7th class में, तो मैं इतना रोता था कि मेरे को घर जाना है, क्योंकि मेरे को मम्मी पापा की याद आती थी। तो बच्चों को टाइम दिया जाता है ये सब करने का। 4 बजे फिर से एक सायरन बजता है, बड़ा सायरन, तो इतने बजते हैं हमारे ना कि सायरन ही पूरा कान में घुस चुका है, मतलब बस दिमाग में सायरन ही सायरन है। तो सायरन बजता है, वो इशारा होता है कि आपके गेम्स का टाइमिंग हो गया। फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेम्स वाला जो पीटी का जो ड्रेस होता है, फिजिकल ट्रेनिंग जो सुबह किया था, सेम ड्रेस ही हमारे इवनिंग स्पोर्ट्स का होता है, उस टाइम पे हम फटाफट से कपड़े पहनते हैं, वही वाले जूते पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज, और जाते हैं 1.5 घंटे की स्पोर्ट्स। ये सबसे बेस्ट चीज है सैनिक स्कूल का, आपको हर दिन 1.5 घंटे खेलने को मिलता है, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको। स्कूल में तो स्पोर्ट्स पीरियड एकाद होता है हफ्ते में, उसको भी कोई मैथ का टीचर लेके चल देता है। तो सैनिक स्कूल में 1.5 घंटा फिक्स रहता है कि आपको स्पोर्ट्स खेलना है, हर दिन अलग अलग स्पोर्ट्स। किसी दिन आपको हॉकी खिलाएंगे, किसी दिन फुटबॉल, किसी दिन क्रिकेट, किसी दिन वॉलीबॉल, किसी दिन स्विमिंग सिखाते हैं, किसी दिन हॉर्स राइडिंग का होता है। तो उस तरीके से आप हर चीज सीखते हो। फिर 4 से 1.5 घंटा यानी कि 5:30 बजे तक आप वापस आते हो हॉस्टल में, और आपको फिर 1/2 घंटे का टाइम है, तैयार हो जाओ फटाफट। 6 बजे का टाइम होता है, 6 बजे इवनिंग स्नैक्स मिलता है, फटाफट से आप स्नैक्स कंप्लीट करते हो। स्नैक्स खाने के लिए कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि आप जाओ और प्रे करके ही खाओ, जो पहले पहुंचा वो पहले जाके खाता है, कंप्लीट करके अपना फ्री हो जाता है। लेकिन 6 बजे तक का टाइमिंग ये रहता है कि 6 बजे बाहर लाइन में आ जाओ, बाहर जब काउंटिंग होती है, रोल कॉल होता है, वहां तक कम से कम पहुंच जाओ। तो 6 बजे आप पहुंच गए, 6 बजे स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स का तो मैंने ये दिखाया ही नहीं, देखो स्पोर्ट्स में कैसा होता है। ये सैनिक स्कूल बीजापुर का, ये इसने पहन रखा है, बहुत ही एक्सीलेंट स्पोर्ट। और स्पेशली जब मैचेस होते हैं, इंटर हाउस मैचेस, सैनिक स्कूल में ना हाउसेस में बटे होते हैं बच्चे, कि जैसे हमारे टाइम पे था अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ये सारे हाउसेस थे। उनका नाम चेंज हो गया, हालांकि मेरे स्कूल में तो चेंज हो गया फिलहाल, बट स्टार्टिंग में अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा था। तो ये चारों हाउसेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे, ऐसे कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सुंदर अद्भुत। मतलब आपने ना वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा, वैसा बड़ा स्कूल वाला कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है। तो स्पोर्ट्स के बाद क्या हुआ, इवनिंग प्रेप का टाइम 6 बजे। 6 बजे हम पहुंचे अपने वापस स्कूल, क्यों, क्योंकि 6 से 8 का 2 घंटा हमको सेल्फ स्टडी करना है, हमको होमवर्क मिला था स्कूल में, वो भी तो कंप्लीट करना है ना। तो सैनिक स्कूल में टाइमिंग दिया जाता है, ये 2 घंटे आपको एकदम शांत रहना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी की तरह अपने क्लास में पढ़ाई करना रहता है। थोड़ा सा भी हल्ला होगा टीचर तुरंत पनिशमेंट देगा, थोड़ा सा भी हल्ला होगा क्लास कैप्टन आपको पनिशमेंट दे देगा। तो ये 2 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और डेली का 2-2 घंटा, 2-2 घंटा का ये जो पढ़ाई होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सैनिक स्कूल के बच्चे बिना कोचिंग के भी 12th के बाद NDE निकालते हैं, बिना कोचिंग के IIT क्रैक करते हैं, बिना कोचिंग के NEET निकालते हैं। ये सारा क्यों होता है, क्योंकि वो डेली उनकी हैबिट बन चुकी होती है कि 6 से 8 एकदम फोकस के साथ पढ़ाई। ठीक है, इवनिंग प्रेप कंप्लीट हुआ, 8 बज गए। 8 बजे के बाद फिर से भूख लगा, फिर आए मैथ्स में, है ना, मैथ्स में। देखो रात में, ऑल दो रात में ये अपन खाकी ड्रेस नहीं पहनते, खाकी ड्रेस हमारे दिन का यूनिफॉर्म होता है, रात को हम लोग व्हाइट और व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, और मुफ्ती होता है जो आई थिंक मैरून कलर का होता है, तो वो पहनते हैं, वो नॉर्मल स्कूल की तरह। बट दिन में हमारा ये ऐसा होता है कि अपन खाकी ड्रेस पहनते हैं एकदम पुलिस और आर्मी वालों की तरह। उसके बाद डिनर कंप्लीट होता है 8 से 8:30 बजे, सेम टाइप का ही डिनर होता है, वही प्रेयर करना, मैस कैप्टन आएगा, वो प्रे करेगा, फिर आप फॉलो करोगे। 20 मिनट का डिनर करने के बाद आप आते हो वापिस से अपने रूम में, फिर आपको 1.5 घंटे का टाइमिंग मिलता है, लगभग 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपको जो करना है करो। जैसे दोपहर में 2 से 4 का टाइम मिला था, वैसे ही यहाँ पर आपको 8:30 से 10 बजे का 1.5 घंटे का टाइम है, टीवी देखो, पढ़ाई करना पढ़ाई करो। जिसको कई लोग होते हैं थक जाते हैं सुबह से, वो अपना सो जाते हैं। फिर 10 बजे क्या होता है, फिर एक लाउड सायरन बजता है, और वो 10 बजे होता है लास्ट रोल कॉल। लास्ट रोल कॉल यानी का मतलब कि रात को सोने से पहले, यहाँ चित्र में तो दिन का बना रखा है, इसको ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पर लाइट नहीं है, रात का टाइम हो रहा है, और ऐसे बच्चे खड़े होते हैं, काउंटिंग होती है, हाउस कैप्टन जो होता है वो सबका काउंटिंग देता है कि हाँ ये सारे प्रेजेंट हैं बच्चे, सब कोई हेल्दी हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। जो हमारा हॉस्टल का ओनर होता है, हॉस्टल का जो
वार्डन होता है वो ये चीज कंफर्म करता है कि हाँ बच्चे कोई बीमार नहीं है, सब कोई ठीक है, काउंटिंग करता है, सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद हमको मिलता है सोने का टाइमिंग, और 10 से 5 फिर हम 7 घंटे आराम से सोते हैं तान के, और फिर अगले दिन 7 बजे सायरन बजता है और वही सेम रूटीन फॉलो होता है कंटिन्यूसली। तो सैनिक स्कूल्स का ये रूटीन काफी आर्मी टाइप का ही होता है, जैसे कि एनडीए वगैरह में आपको जिस तरीके का रूटीन दिखेगा उस तरीके का सेम टू सेम रूटीन सैनिक स्कूल में होता है। और मैं आप लोगों को ये तो बताना ही भूल गया कि जब आप सैनिक आप किसी भी सैनिक स्कूल में जब आप स्कूल से हॉस्टल तक जाते हो या हॉस्टल से स्कूल तक आते हो तो आपको मार्चिंग करते हुए जाना पड़ता है, यानी कि परेड वाले फॉर्मेट में, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते करते जब भी जाओगे आप हर बार। और अगर आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो तब भी आपको लाइन में एक साथ तीन तीन के रो होते हैं और तीन तीन के लाइन में आपको एक साथ दौड़ते हुए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पीछे चल रहा है बहुत और एक बहुत आगे चल गया, आपको सबको एक साथ लेके चलना होता है। जैसे कि आर्मी में आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते हो, सैनिक स्कूल में भी सेम बिल्कुल ऑफिसर लाइक क्वालिटी सिखाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि दिनचर्या कैसा होता है मंडे टू सैटरडे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संडे का रूटीन क्या होता है, संडे को सैनिक स्कूल में बच्चे कैसा क्या इंजॉय करते हैं, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।